नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के एक जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर अभी काफी दूर है, आप अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो शास्त्र कहता है जब भी बड़ी अवधि वाला ग्रह, जैसे राहु महाराज एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो बड़ी अवधि वाला ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो अपनी तारीख से नहीं, तारीख से सवा महीने पहले ही इसके परिणाम दिखना आपको चालू हो जाते हैं। ऐसे में सितंबर से ही आपके जीवन में बदलाव दिखना चालू हो जाएंगे। क्या क्या बदलाव रहेंगे यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं, गलत का साथ नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते, सदैव हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और समस्याओं से पीछे भागने की बजाय आगे जाकर उन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है उन अवस्थाओं को सदैव खोजते रहते हैं। किंतु हकीकत यह है पिछले 15-16 महीनों से राहु महाराज जब से मेष राशि में आए हैं, आपका जो व्यक्तित्व था हर समस्या का समाधान खोजना, हर परिस्थिति को बैलेंस करना, न्यायप्रियता की स्थिति में लड़ते रहना, उसमें राहु महाराज ने इस स्थान पर बैठकर आपको हरा दिया। क्योंकि व्यक्ति बार बार एक बार की स्थिति को, दो बार की स्थिति को, तीन बार की स्थिति को संभाल लेता है, किंतु बार बार आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और फिर 99 पर जाकर जब रुक जाते हैं तो व्यक्ति को एक हताशा जैसी स्थिति हो जाती है कि शायद मैं इसके योग्य हूं ही नहीं, शायद मैं कभी ये कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसी नकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट होना चालू हो जाते हैं और उसका आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है राहु महाराज को, क्योंकि हर परिस्थिति को आपकी प्लानिंग से बिल्कुल विपरीत करते आ रहे हैं पिछले 15-16 महीनों से राहु महाराज। अब जब ये 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार बड़े बदलाव आएंगे यही जानकारी लेकर आया हूं। और इसीलिए मैंने कहा है इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। राहु महाराज पराक्रम भाव में बैठकर बार बार आप मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट नहीं आने दे रहे, जो कार्य आपको लग रहा है कि बस अब होने ही वाला है फिर उसमें रुकावट डाल देते हैं, 99 तक आप जाते हो फिर आकर शून्य पर खड़े हो जा रहे हो, व्यापारिक यात्राएं कर रहे हो उसमें सफलता का योग नहीं बन रहा, छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां पक्ष में नहीं आ पा रही हैं, यहां से पंचम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को पूर्णतया अस्त व्यस्त किया हुआ है, छोटी छोटी बातों पर अलगाव बन रहा है, मानसिक तनाव बन रहा है, बहुत से कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के डिवोर्स तक करवा दिए हैं राहु महाराज ने। जिन कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है उनके विवाह में विलंब देखने को मिल रहे हैं, दैनिक रोजगार में मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे, पार्टनरशिप आपने किसी के साथ कर ली उसने आपको धोखा दे दिया वहां से लॉस लग गया, कोई कर्ज की स्थिति बन गई, यहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं भाग्य का जो साथ निकल कर आना चाहिए उसे निकल कर ही नहीं आने दे रहे, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि हटाते जा रहे हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण में आपको लिप्त करते जा रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की सोच रहे हैं, विदेश से संबंधित कार्य करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग होती है फिर वापस आकर जीरो पर खड़े कर दे रहे हैं। और नवम दृष्टि से कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आय की स्थिति बन ही नहीं रही है, अर्निंग उतनी हो ही नहीं रही है जितनी हम डिजर्व करते हैं, छोटी छोटी सी डिजायर्स मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, रिश्तों में खटास हो रही है, जॉब कर रहे हैं जॉब में स्थितियां अनुकूल नहीं बन पा रही, व्यापार कर रहे हैं व्यापार में स्थितियां अनुकूलता का स्वरूप नहीं दर्शा पा रही है, 1 रुपए का आय हो रही है 1.5 रुपया हर महीने
खर्च की स्थिति के अंदर आकर खड़ा हो जा रहा है और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। सभी लोग शनि की 7.5 चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत जो जो मैंने आपको बताया है उनमें 70% की गतिविधि यहां राहु महाराज आपके लिए क्रिएट करते आ रहे हैं पिछले 15-16 महीनों से। अब जब ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे ये जान लीजिए। जैसे ही आपके पराक्रम भाव को राहु महाराज छोड़ेंगे तो सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था जो आपके लिए बनकर आएगी, पिछले लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे हैं किंतु रिजल्ट बार बार जैसी स्थिति एक्सपेक्टेशन स्वरूप में बनी हुई है वो नहीं निकल कर आ पा रही है, तो सबसे पहले तो आपकी मेहनत के परिणाम निकल कर आना प्रारंभ हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां आपके पक्ष में आना प्रारंभ होंगी। व्यापारिक यात्राएं जो आप कर रहे थे, बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, वो सही होने जा रहा है। यहां से पंचम दृष्टि जो आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी अस्त व्यस्तता बनी हुई थी वो समाप्त होने जा रही है। दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर हो जाएगा। दैनिक रोजगार में जितना आप डिजर्व करते हो उस प्रकार की अवस्था आपके लिए लाभान्वित योग बनाकर देना प्रारंभ करेंगी। पार्टनरशिप में जो नुकसान लग गया था, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आ रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। भाग्य का साथ जो काफी लंबे समय से आप भूल से चुके थे वो पुनः से आपके जीवन में याद होने जा रहा है कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां अच्छी रहेगी, यात्राओं का आनंद आप ले पाओगे, जो फिजूल के खर्चे बन रहे थे उनसे आपको निजात मिलने जा रही है और जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो अर्निंग में वृद्धि का योग बनेगा, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, और अब आपकी छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी मुरादें भी पूर्ण होगी। डिजायर्स को आप अपनी दक्षता के दम पर पुनः से प्राप्त करते हुए पाए जाओगे। जो आपका व्यक्तित्व है न्यायप्रियता का, हर स्थिति को अपने अनुकूल ढालने का, उस अवस्था को आप पुनः से प्राप्त करने जा रहे हो। अब ये फलादेश हुआ मित्रों कि जब राहु महाराज मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में जो पराक्रम भाव को, सप्तम भाव को, भाग्य को और आय को इन्होंने पिछले 15-16 महीनों से कुंडली जैसी लगा रखी थी, जब ये मुक्त होंगे तो आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलने जा रहे हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि मीन राशि में जाने के पश्चात इनके क्या फलादेश होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको कार्यक्रम बनाकर दूंगा। कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है। अभी के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि इस स्थान से हटने के पश्चात क्या क्या जीवन में जो बंद रास्ते पड़े थे वो खुलने जा रहे हैं, किंतु अगले कार्यक्रम में आप जानना चाहते हैं मीन राशि में जाकर इनके क्या फल होंगे, जरूर से लिखिएगा, मैं आपको वो फलादेश दूंगा जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि डराने वाले तो बहुत से बैठे हैं किंतु ग्रहों की स्थिति को समझकर, इनके समाधान की स्थिति को जानकर आप जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।